राज्य के कई स्थानों पर छठ पूजा की धूम देखने को मिली। वहीं देहरादून के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में भी छठ पर्व पर लोगों में उत्साह नजर आया। इस मौके पर पार्षद प्रत्याशी सतीश कश्यप, जसवीर सिंह और धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली मौजूद रहे। सतीश कश्यप ने बताया कि मेयर विनोद चमोली ने छठ पार्क बनाने की घोषणा की थी, जो अगले साल तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अमृत योजना के तहत प्रस्ताव लाया गया है, जिसमें 50 लाख का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले साल तक पार्क का निर्माण हो जाएगा। पार्षद सतीश कश्यप ने बताया कि पिछले 5 साल से क्षेत्र में छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही मौजूद लोहियानगर से पार्षद प्रत्याशी जसवीर सिंह ने क्षेत्रवासियों को छठ पर्व पर बधाई देते हुए कहा कि अगले साल तक क्षेत्रवासियों को छठ पार्क मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि फिर लोगों को कृत्रिम नहर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छठ पर्व है और छठ पर्व मनाने वाले सभी अपने क्षेत्रवासियों को मैं छठ की शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, उनके जीवन में मंगल रहे, मंगल कामनाएं देता हूँ उनको। और ये छठ पूजा हम लगभग पिछले 5 वर्षों से यहाँ ब्रह्मपुरी डाला ग्राउंड में मना रहे हैं। 5 वर्षों से आयोजन लगातार हम कृत्रिम नहरें खोद कर बनाते आए हैं और इसी बीच में हमने यहाँ पर छठ पार्क भी प्रस्तावित कराया। लेकिन अगले वर्ष मेरा क्षेत्रवासियों से वादा रहा कि अगले वर्ष मैं इसको पक्के छठ पार्क में, जो 50 लाख रुपए अमृत योजना से केंद्र सरकार से प्रस्तावित है और स्वीकृत है, अगले आने वाले 2 महीने में ये छठ पार्क का काम प्रारंभ होगा, ऐसा मैंने लोगों से वादा भी किया है। मैं क्षेत्रवासियों को भाईचारे का संदेश देना चाहता हूँ और इस क्षेत्रवासियों को, समस्त क्षेत्रवासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और ये छठ पर्व हमेशा की भांति अगली बार इससे अच्छा छठ हम पूजन करेंगे। पक्का पार्क बना के, छठ मंदिर बना के इस बार हम पूजन करेंगे अगली बार। नेशन वन ब्यूरो रिपोर्ट।